आएगा, NCS 1B। तो जो 4 to 5 क्वेश्चंस आएगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग को क्विकली मार्क करना है कि कौन से क्वेश्चंस पहले करेंगे। अब क्या होता है बहुत बार, जैसे मुझे टॉपिक में हमने अगर क्विक स्क्रॉल थ्रू करें तो दिस इज समथिंग पॉइजन प्रोसेस, पॉइजन मॉडल का समय फर्स्ट फ्यू चैप्टर से ये हम लोग को देख के पता चल रहा है कि ये पोस्टीरियर प्रायर वो वाला है। देन नेक्स्ट इज योर कोरिलेशन एंड देन, तो ये एक ऊपर ऊपर से पता चल जाएगा। ऑब्वियसली इफ यू सिट एंड रीड ऑल द क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो नाउ व्हाट आई जनरली प्रेफर कि हम लोग ना इफ वी क्विकली ओपन आर स्टूडियो, 5 क्वेश्चंस है, आप 5 अलग अलग शीट्स बना लो, स्क्रिप्ट बना लो, ठीक है, एंड उसमें आप स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चन में आप पटक गए हो, सो डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर, जस्ट स्किप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज यू जस्ट हैव 1 hour 50 minutes। इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको वर्ड में कॉपी पेस्ट करना है, तो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू नीड टू डू, राइट? सो ऑब्वियसली इट बिकम्स डिफिकल्ट कि भाई आप सारी चीजें उसी टाइम में करो एंड एट द सेम टाइम आपका पेपर खत्म हो। बट CS 1B इज जनरली अ पेपर जो आई हैव सीन स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग पूरा पूरा पेपर, यूजुअली इफ दे हैव स्टडीड। ऐसा नहीं है कि कुछ छूट जाता है, आता हो और छूट जाए ये मैंने देखा नहीं है। सेकेंडली गेटिंग अबव 90 और मे बी गेटिंग अबव 85 इज वेरी सिंपल इन CS 1। अब थोड़ा डिफिकल्ट ऑब्वियसली पेपर वो बनाएंगे वो देंगे, बट अगर आपने पढ़ा है आप 80 अबव तो इजीली ला सकते हो, एंड अगर थोड़ा ट्राई करो तो 85 अबव लाना भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है इन योर CS 1B। एंड ऑनेस्टली CS 1B में आप मार्क्स उठा सकते हो तो पेपर ही आपका कंपेंसेट हो जाता है। नॉट दिस सेम थिंग ऑफ पेपर बी इज नॉट पॉसिबल इन CM 1, CM 2। CM 1 इज एक्चुअली डिफिकल्ट पेपर बी, CS 2 स्टिल आर प्रोग्रामिंग इज इट्स इजी और कंपेरेटिवली, बट CS 1 का पेपर भी सबसे इजी होता है चारों पेपर बी में। अगर हम लोग कंपेयर करें इसका जो पेपर बी है उतना इजी और कोई नहीं है। इजी कब होगा, दो दो बार असाइनमेंट बना लो सारे, ठीक है, जो भी हम लोग ये क्लास में क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं पास पेपर्स, ये मेरे साथ कर रहे हो तो ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, एंड देन घर जाके दोबारा एक बार बना लोगे ये भी हो जाएगा, एंड यू हैव वाई असाइनमेंट, सो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रैक्टिस फ्रॉम। हर एक चीज को दो दो बार भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इनफ है, राइट? बट मेक श्योर योर टारगेट शुड बी अबव 90। इफ माई टारगेट इज अबव 90 आई एम गेटिंग समवेयर अबव 85। इफ योर टारगेट इज ओनली अबव 70 देन यू आर जस्ट गेटिंग मे बी अराउंड 60। सो कीप योर टारगेट वेरी हाई फ्रॉम स्टार्टिंग। मेरा हमेशा से टारगेट था भाई मेरे को 100 मिले, तब जाके मेरे को 90 अबव मिलता था। लेटर ऑन इन माई CPSP पेपर्स मेरा टारगेट था पास होना है, तो आई विश टू पास, ठीक है चलो पास हो गए, बट फिर भी कुछ पेपर्स में आप गॉट गुड मार्क्स। तो वो आपका टारगेट कैसा सेट करना है आपको, उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है विद अ वेरी काम माइंड। CS 1B वेरी इजी, इससे इजी कुछ नहीं होगा एक्चुअली में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग विद द फर्स्ट पेपर, फर्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन वाइज जा रही हूँ, आपको एग्जाम में जैसे जाने आप जाओ, आप एक बार प्रैक्टिस कर लो तो आपको पता चलेगा कि व्हाट सूट्स यू, एंड इससे आपको एक दो चीजें और पता चलेगा कि आपके लिए कौन से टॉपिक्स मतलब आप कौन से टॉपिक्स में अच्छे हो, कौन से टॉपिक्स आपका अच्छा नहीं है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं विच विल बी हाईलाइटेड वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। देर इज नो ग्रुप वर्क हैपनिंग ओवर हियर, सबका अपना खुद का करियर है, ज्वाइंट करियर बोल के कुछ नहीं होता है, तो अपना आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, चलो। एंड आप लोग को ये भी पता चलेगा कि अगर आप स्लो हो तो आप स्लो हो, बाकी क्लास से आपको और 1 घंटे एक्स्ट्रा पुट इन करना है इन योर पेपर भी। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द एवरेज टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम ऑब्जर्व्ड ओवर 7 exam sessions दैट हैड एडमिनिस्टर्ड बाय अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉडी। तो ये एवरेज टोटल मार्क्स है जो हम लोग को लास्ट 7 terms का दिया हुआ है। एंटर दीज डेटा इन टू आर एंड कंप्यूट देयर सैम्पल मीन एंड वेरियंस। तो क्विकली इसको आप आर में डाल लो, आई यूजली फॉलो दिस। नाउ सेकेंड, हाँ
ठीक है, तो किसी चीज में भी डाल देंगे, लेट्स सपोज एक्स में डाल रहे हैं क्योंकि कुछ बोला नहीं है इन्होंने। क्विकली पुट इन, आप लोग आई थिंक ये खुद से एक बार ट्राई करो करने का, वेरी इजी। आई एम ऑल्सो डूइंग इट ओवर हियर। इफ एनी मेथड यू फाइंड दैट इट्स इजियर फॉर यू, यू कैन डू इट। आर प्रोग्रामिंग इज नॉट स्पेस स्पेसिफिक, सो यू कैन गिव एन नंबर ऑफ स्पेसेस। दे आर आस्किंग टू एंटर दीज एंड कम्प्यूट द सैम्पल मीन एंड सैम्पल वेरियंस। नाउ ऐसे नहीं करना, यू कैन राइट ओवर हियर आंसर वन एंड देन यहाँ पे आप लिखोगे पार्ट वन यू आर सॉल्विंग। सो बी वेरी क्लियर विथ ऑल योर मार्किंग्स। आपको निकालना है मीन ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ एक्स, देख लो। एंड आपको फिर लिखना होगा मीन एंड सैंपल मीन एंड वेरियंस ऑफ द डेटा इज, पूरा इसको कॉपी करो एंड इसको अभी मेक श्योर इसी तरीके से फॉलो करो। घर जाके आप लोग नहीं करने वाले हो, आप लोग इस पैटर्न में नहीं लिखने वाले हो, द पैटर्न विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम। तो मेक श्योर यू टाइप इट इन द सेम पैटर्न। I am not typing the entire sentences, but you need to type. Anyway, you face an issue, please quickly unmute and you can ask. CS1 paper fail होने वाला paper नहीं है। If you are failing CS1, आपने नहीं पढ़ा है, honestly. सबसे easiest paper of the entire 13 papers. Next question is, इन्वेस्टिगेट आया आंसर्स मैच हुआ सर। हाँ बोलो मैम, हियर इट इज मेंशन दैट एंटर दिस डाटा इनटू आर, देन कैन वी टेक आर ओनली एज अ रैंडम। दिस आर मींस आर स्टूडियो, आर प्रोग्राम। ओके, या ऑब्जेक्ट मेंशन कर देते फिर वो। इन्वेस्टिगेट वेदर द पॉइजन मॉडल इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस डेटा बाय कैलकुलेटिंग द सैंपल मीन एंड वेरियंस ऑफ द 10 poison sample having the same size and mean as the sample given above. मतलब क्या करने बोल रहे इधर हम लोग को, poison process से कितने samples निकालने, 10 samples निकालने of same size. क्या होगा size? 7. Mean क्या लेंगे? Lambda and mean are same for poison, 78.28571. पूरा भी ले सकते हो या short भी कर सकते हो, 0.29 कर सकते हो. वो निकालने, जो sample निकला 10 samples आएगा, उसका हर एक मीन निकाल लें और वेरियंस निकाल लें, तो 10 मीन और 10 वेरियंस आ जाएगा आपके पास। करो लूप बनाओ, बहुत ही सिंपल लूप है, बहुत ही सिंपल लूप। लेट्स मेक टू वेक्टर्स फर्स्ट। लेट्स मेक एक्स बार विच इज रिपीट 0 10 टाइम्स सिंस 10 सैंपल्स आ दे। Same I will do and I will make S2 कर दो या S कर दो for variance, S square कर देते हैं variance के लिए, S is for standard deviation. ठीक है, for I in 1 से कहां तक जाएगा, 10 तक, फिर बताओ कैसे किया तुम लोगों ने। They have not taken any seed. तो अगर आपको लेना है, let's take it so that we can match our answers. Exam में भी if you want, you can take it. Any random number. ठीक है? I am taking my birth here. आप लोग कुछ भी ले सकते हो. और बोलो. Same लेओगे तो same answer आएगा, obviously. फिर क्या करना है? I poise 7, x bar कैसे? X bar तो इधर है. मैंने लिया नहीं है, मीन ऑफ एक्स डाल देंगे। अगर मीन ऑफ एक्स, आप लोग को ट्राई नॉट राइटिंग अ फॉर्मूला ओवर हियर। मीन ऑफ एक्स यू कैन टेक इन अनदर वेरिएबल एंड पुट इट ओवर हियर। अब ये हम लोग लेट्स सपोज एक्स में डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है मैम? एक्स में तो आपने ऊपर वाला वेक्टर बनाया था ना, तो क्या हुआ? वो इस लूप का पार्ट है। एक्स लूप के बाहर, लूप के बाहर इस एक्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ठीक है। ये इसको हम लोग कौन सा वेरिएबल बोलते हैं? डमी वेरिएबल। वेरी गुड,
एक्स बार आई, माई सी एस टू स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट. चलो हाँ, क्या होगा मीन ऑफ एक्स? वेरी गुड. और एस टू क्या होगा? वेरियंस ऑफ एक्स. ये की थी. फिर एक्स बार और ये निकाल लो. और क्या, मैंने सीड नहीं रन करा ना, कर दिया था. ये आपका एक्स बार है, ये आपका एस टू है. मैच योर आंसर्स. वो तुम लोग बता सकते हो, हम बताएंगे. क्वेश्चन में बोल रहा है इन्वेस्टिगेट वेदर इन दिस डेटा पॉइजन विल बी सूटेबल और नॉट. तो इफ यू हैव डन 10 सैंपल्स, इफ यू हैव एक्सट्रैक्टेड 10 सैंपल्स एंड आपने उसका मीन, उसका वेरिएंस निकाला है, तो द आंसर शुड बी सिमिलर टू जो एक्चुअल आपका ये आ रहा था, मतलब मीन एंड वेरिएंस. अब देखो हम लोग का क्या है, ये 78 है, तो इज इट क्लोज टू 78? काइंड ऑफ क्लोज है. अब आपने 10 सैंपल निकाले और ज्यादा सैंपल निकालोगे तो बेटर एस्टिमेट होगा. कम सैंपल है तो आप उतना क्लियर एस्टिमेट नहीं कर पाओगे. ये एक चीज है. दूसरा, एस टू शुड बी 159 के क्लोज, बट वी सी अ ह्यूज वेरिएबिलिटी इन द वेरियंस, राइट? वी सी ह्यूज वेरिएबिलिटी इन द वेरियंस, तो हम लोग क्या बोलेंगे इधर? फिर बोलो. हाँ, करेक्ट. सो वी कैन सी दैट द मीन इज समवट क्लोजर, बट वी सी अ ह्यूज वेरिएबिलिटी इन द वेरियंस ऑफ द सैंपल, 10 सैंपल एंड द एक्चुअल डेटा विच इज गिवन टू अस. सो वी कैन से दैट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द डेटा सेट दैट वी हैव, राइट? यू कैन रीड द आंसर ऑल्सो. एंड आंसर कैसे लिखना है, आंसर ऐसे लिखना है आपको. यहाँ पे इसमें कमेंट्स आप लिखोगे, मेक इट लाइक 2-3 लाइन्स. पूरा ऐसे लिखो, हैशटैग देके. मैं आप लोग को सोल्यूशन भी रीड करा दे रही हूं. देख लो. मैम, हाँ मैम, इसमें अगर हमारा जो वेरिएंस 78 के ऐसे आसपास होते तो हम ऐसा कहते हैं ना कि पॉइजन मॉडल इज अ गुड फिट. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन.
तो वही तो लिख रहे हैं। हाँ लिखना पड़ेगा कि mean should be close to 78.29 and variance should be closer to 159. तो mean is somewhat closer, variance is we see a huge variability in answers. तो वो पूरा तुमको लिखना होगा, एक दो लाइन तो लिखेगा फिर ये लिखेगा, ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखना। हाँ ये तो नहीं होगा, इसीलिए तो मैंने और भी पॉइंट्स बताए। बढ़ा बढ़ा चढ़ा के लिखने का ये मतलब नहीं, तुम लिखते चला गया। 3-4 lines is maximum that you will write in this question. मैम बट वेरियंस अगर 152 के पास होगा तो फिर पॉइजन मॉडल इसमें कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पॉइजन का तो मीन एंड वेरियंस सेम आसपास आना चाहिए ना। पॉइजन का मीन क्या होता है? लैम्डा। वेरियंस क्या होता है? लैम्डा, है ना। तो इसीलिए हाँ ये भी पॉइंट है जो तुम लोग बोल सकते हो कि इसका मीन ये है, वेरियंस ये है, विच इज डिफरेंट, इट शुड बी क्लोज सेम सिमिलर। हाँ तो वो भी है ना, वो भी लिख सकते हैं। ये तो लिखा है टू गेट अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरियंस एज द ऑब्जर्व डेटा, वही है जो तुम बोला, वो गलत हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। तुमको ये बताना है कि मीन एंड वेरियंस शुड बी क्लोजर, वो जो कि नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, मीन एंड वेरियंस में काफी डिफरेंस आ रहा है। तो पॉइजन अब अरे तुम कंपेयर क्यों करेगा, इसी का तो मीन एंड वेरियंस अलग है, ये तो एक सिंपल डेटा है। तुमको थोड़ी बोल दिया ये पॉइजन फॉलो करते हो, तुम कंपेयर थोड़ी करेगा, तुमको इसमें पॉइजन फिट करना है। तो पॉइजन जब फिट करते हो किसी डेटा में, उस डेटा का ऑलरेडी मीन एंड वेरियंस शुड बी वेरी क्लोज ना, तभी तो तुम पॉइजन उसे फिट कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो मीन एंड वेरियंस काफी अलग है, तो इसमें पॉइजन गलत है, फिट ही नहीं होगा। दैट इज वॉट दे हैव ऑल्सो रिटन, एंड वो भी हम लोग को भी वही लिखना है कि सिंस वी सी अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरियंस फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन एंड वेरियंस इज सेम एज द पैरामीटर लैम्डा, बट वी सी अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस केस, हेंस पॉइजन मॉडल इज नॉट अप्रोप्रिएट। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कंसिडर N30 इंडिपेंडेंट IID distributions है, given below from a random variable with probability distribution function दिया हुआ है। ये हम लोग को क्या दिया हुआ है? PDF, density function, नहीं probability, small f लिखा है ना इन्होंने, तो ये PDF है। You can enter the y values into R. Usually distribution function stands for CDF, density stands for PDF. But यहाँ पे क्योंकि small f बोला है तो हम लोग इसको PDF consider करेंगे। अब हम लोग इसको पूरे को वी कैन एंटर इन आर। सो दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन, दिस इज माय सेकंड। अब क्या करना होता है एक बार सुन लो, सिंस मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, अगर आपका बीच में कहीं एरर आया हुआ था, एक बार सुन लो, अगर कहीं एरर आता है आपका बीच में तो ऑब्वियसली आप उसको रीरन करोगे तो यहाँ कहीं एरर्स दिखेंगे आपको। अभी पूरा फाइनल हो गया है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिमूव द कंसोल, you can select the entire thing, you can click on run, and now you have the fresh solution without any errors or warnings whatever. So warnings can still be there. Ab aap isko copy karoge in your word file, this is my another word file, control n, in your word file just paste the entire thing and just check the linings ki sahi hai na, ये आपका आंसर टू ये सब लिखा हुआ है ना, एक्स बार ये पूरा यहाँ पे मैंने कमेंट्स दिए, तो ये आपका आंसर इधर पेस्ट हो गया। जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज करेक्ट और नॉट, एंड यू कैन मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। आंसर बाय आंसर पेस्ट करने से क्या होता है, इजी होता है। आपको एक ग्राफ अगर बीच में आ रहा है तो वो स्किप नहीं करोगे। यूजुअली अगर आप पांचों आंसर साथ में पेस्ट करोगे तो हो सकता है यू स्किप अ ग्राफ। अब इस क्वेश्चन में अगर 2-3 graphs होते तो वो हम लोग को याद होता, हम लोग पेस्ट कर चुके होते। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसको पेस्ट करने बोल रहा है, सो लेट्स डू दैट। आंसर टू, फिर बाय अज्यूमिंग अ प्रायर डिस्ट्रीब्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा थीटा, ये अपना प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोपोर्शनल टू मतलब का क्या मतलब होता है, प्रायर ऐसे लिखते हो ना प्रोपोर्शनल, क्योंकि कुछ कांस्टेंट टर्म को हमें यूज नहीं करना, वो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, सो यू यूज प्रोपोर्शनल, बट एक्चुअली दे आर सेइंग इट्स इक्वल टू दिस। वी कैन शो दैट द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू दिस, दैट इज एफ थीटा गिवन द वैल्यू ऑफ वाई, थीटा टू द पावर
समेशन ऑफ ऑल वाई आईज ई टू द पावर माइनस एन प्लस अल्फा थीटा. वी कैन ऑब्जर्व दैट द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज गामा विद पैरामीटर्स दिस एंड दिस. इज इट क्लियर? सिंपल याद है आप लोगों को ये. नेक्स्ट क्या बोला है? प्लॉट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. पोस्टीरियर का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करने बोला है. फंक्शन ऑफ थीटा फॉर वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल्स 3.2 टू 6.8 एंड अज्यूमिंग अल्फा 0.01. हिंट दिया है, रेंज ऑफ थीटा कैन बी ऑब्टेन्ड इन आर यूजिंग दिस फंक्शन. तो ये अपने ले लेंगे वैल्यूज ऑफ थीटा. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा आपको प्लॉट करना है. क्या क्या प्लॉट करना है? पोस्टीरियर. पोस्टीरियर तो क्या है? ये है, विच इज व्हाट? विच इज गामा. तो क्या यूज कर सकते हैं? डी गामा. वेरी गुड. यू हैव टू प्लॉट द डेंसिटी फंक्शन. यू हैव टू प्लॉट द पीडीएफ. सो यू कैन यूज डी गामा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक ऑल द थीटा का वैल्यूज. थीटा ये सीक्वेंस फंक्शन हो गया. देन प्लॉट प्लॉट में क्या करेंगे? थीटा थीटा ले लिया ना अलग से, फिर डी गामा के अंदर थीटा होगा क्योंकि थीटा फॉलोज गामा. फिर हो गया ये देखो सम ऑफ वाई माइनस वन. तो सम ऑफ वाई वाई में हम लोग का डाला हुआ है माइनस वन और एन प्लस अल्फा. एन अलग से नहीं लिया, अल्फा अलग से नहीं लिया, तो क्या लिखेंगे? वेरी गुड. लेंथ ऑफ एन इज बेसिकली लेंथ ऑफ वाई प्लस अल्फा विच इज 0.01. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द प्लॉट ऑब्वियसली टाइप हम लोग लाइन टाइप कर देंगे. ये सही लग रहा है. इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द विथ एल डब्ल्यू डी इक्वल्स टू एंड ऑब्वियसली नीड टू गिव अ टाइटल. टाइटल में क्या देंगे? पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन. टाइटल में क्या देंगे? पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन या पोस्टीरियर डेंसिटी फंक्शन ऑफ थीटा. एक्स एक्सिस पे थीटा इज फाइन. वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे? वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे? वाई लैब. हाँ, वाई लैब में डेंसिटी या पीडीएफ वॉट एवर. मेक श्योर यू गिव अ गुड टाइटल एंड मेक श्योर यू गिव अ गुड वाई लैब. वाई लैब में डेंसिटी एंड टाइटल में पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा देख लो. हम वाई लैब में क्या इनपुट करेंगे? डेंसिटी. ओके मैम. थोड़ा खुद से सोचो. आप लोग का ब्रेन थोड़ा है ना लिमिट हो गया. थोड़ा नहीं, बहुत लिमिट हो गया. यू आर नॉट एबल टू थिंक. जंक लग जाना जिसको नहीं बोलते वो हो जाता है क्योंकि आप लोग सोचते नहीं हो. पढ़ा तो कोई भी देगा, खुद से तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना. नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करो. तुम लोग कॉलेज नहीं आज? और अभी वाला क्लास? है? स्टार्ट
नेक्स्ट हो गया कैरी आउट सिमुलेशन एनएस 5000 पोस्टीरियर सैंपल्स फॉर पैरामीटर थीटा, मतलब क्या करने बोल रहा है. आर गामा वेरी सिंपल भाई, इतना इजी कुछ आ सकते एग्जाम में. तो लिखोगे द पोस्टीरियर सैंपल्स आर, द पोस्टीरियर सैंपल्स आर, पता ही है गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो 5000 वैल्यूज उठा लेंगे इधर से. सेट डॉट सीट ले लेते हैं, कुछ बोला नहीं है तो ले लेते हैं ताकि हम लोग को सेम आंसर मिले. लेंथ ऑफ वाई कितना है इधर, 30 वैल्यूज है. ठीक है ठीक है, चलो ये भी कर सकते हैं, फिर सीट वैल्यू ले लेते हैं. हेड चेक करना है तो करो प्लीज, तुम लोग 5000 वैल्यूज ना आउटपुट मत कर लेना, और फिर उसको अच्छे से वर्ड में पेस्ट करके मत आना. दो तीन मतलब मॉक्स में इतना गंदा लोग करते हैं, हम लोग चेक करते हैं मॉक एंड पीपल आर पेस्टिंग लाइक 5000 मैंने पूरा दो तीन पेजेस तो उसी में निकल जाता है तुम लोग का, जो तुम लोग पेस्ट कर देते हो पूरा, एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एकदम. हाँ तुम पूरा एक्स चलो कर ही देते तुम्हारे मन के लिए, तुम इसको पूरा 1000 वाली उसको तुम पेस्ट करेगा दो तीन पेज तो इसी में निकल जाएगा वर्ड का, इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है. फिर पता है उसमें बीच में ना क्वेश्चंस भी स्किप हो जाता है, तो ये सब मत करना प्लीज. स्टूपिडिटी इसको बोलते हैं, एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्टूपिडिटी, ये मत करना एग्जाम में प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. मैच करो आंसर्स एंड देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. I want you all to be very quick. आप लोग सब लोग मुझे फोन करके ये बोलो कि मैम हम लोग के पास अच्छा खासा 10-15 मिनट था फॉर रिविजन. ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग न्यू, आई हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐसा किया है. नेक्स्ट प्लॉट द हिस्टोग्राम ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा. तो ये जो आपने निकाला इसी को आपको प्लॉट करना है. हिस्ट ऑफ एक्स कॉमा टाइटल दे देना अच्छा से, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा इसको प्लॉट करो. एक्स में एक्स ठीक है, वाई में फ्रीक्वेंसी. अच्छा एक्स में एक्स तो अच्छा नहीं लगेगा ना, एक्स लैब में क्या लिखोगे, थीटा थीटा लिखो ना, थीटा लिखो थीटा. सिमुलेशंस क्या होता है, किसका सिमुलेशंस, बी स्पेसिफिक. टाइटल में लिखोगे पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा. कहीं भी कोई अटके तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी. ये मत बोलना कि मैम का कुछ समझ नहीं आया, ये तो लंच का टाइम भी सेव कर ले रहे हैं. जिसको बोलते हैं टाइम यूटिलाइजेशन, अल्ट्रा मैक्स प्रो, क्या बोलते हैं तुम लोग, नहीं नहीं सब ऐसा नहीं होता है. ये एकदम ये जो ये सब हरकत करता है ना, नहीं नहीं ये सब जो ये हरकत करता है ना, मेरे को अपना कॉलेज डेज याद आते, हम भी ऐसे ही करते थे सेम. एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, कैसे यूटिलाइज करें एकदम. हाँ जो भी चल रहा है, मतलब जो भी लोगों को कुछ 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 लोगों को शर्म आते क्लास में खाने में, नहीं भाई नहीं, टाइम सेव करना है मेरे को अपना, फर्क नहीं पड़ता. हाँ कृष्णा बोलो. मैम हमारे में जब हम वर्ड मतलब वर्ड में ये जब कॉपी पेस्ट करते ना तो कंसोल का वो पूरा आ जाता है पीछे का, मतलब हमारा कंसोल ब्लैक है तो पूरा ब्लैक पेस्ट हो जाता है. वो तो होगा, वो तो होगा. या तो आप रखो कि डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग मेन्यू पेस्ट ना. आई डोंट नो व्हाई यू गाइस यूज अ ब्लैक बैकग्राउंड, आई मीन आई डोंट लाइक इट, बट इफ यू आर यूजिंग इट देन इट्स फाइन. कुछ नहीं चलेगा एग्जाम में, मत कर देना, नहीं चलेगा, इट विल नॉट. तो क्या करना है मैम, तुम लोग जैसे बहुत ही कोडिंग करते हो आंख में लगता है ब्लैक व्हाइट. देखो ये देखो ऐसे करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी करो एंड इसके बाद नहीं ऑल्ट वी मत करना सॉरी कंट्रोल वी करो, इधर पे ये आएगा ना, इसमें यू कैन
मर्ज फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो आई गेस, या फिर कीप टेक्स्ट ओनली कर सकते हो, बट फिर कीप टेक्स्ट ओनली से वो तुम लोग का वो भी नहीं आएगा, ब्लू ब्लैक वाला जो डिस्टिंक्शन है. आई डोंट नो मतलब व्हाई आर यू कीपिंग इट ब्लैक, चेंज इट ना फॉर द एग्जाम, इट्स ओके बेटर. आई मैम, मीन आई वुड प्रेफर दिस. समझ में आ रहा है ना कि दीज आर द कोड्स एंड दिस इज द आउटपुट. मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिड क्वेश्चंस. ब्लू ब्लैक क्यों नहीं चाहिए तुमको, ब्लू ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है. इफ आई मेक एवरीथिंग ब्लैक, लेट्स से सपोज आई विल नॉट लाइक इट, हाउ विल आई डिस्टिंग्विश. तब तुम फिर बीच बीच में बैठ बैठ के वो लगा, ऐसे स्पेस दे कि ये क्वेश्चन टू है भाई. एग्जामिनर को उसका चेकिंग प्रोसेस जो तुम जितना इजी करेगा तुमको मार्क्स उतना ज्यादा मिलेगा. आई ऑल्सो चेक मॉक, तुम लोग मेरे को जितना अच्छे से आंसर दोगे मैं मार्क्स अच्छे से दूंगी, चाहे कुछ भी बोल लो. एक एग्जामिनर का माइंडसेट फ्रस्ट्रेट होता ही अगर वो ऐसा घटिया आंसर स्क्रिप्ट देखता है. सो मेक इट, मेक द प्रोसेस सिंपलर फॉर द एग्जामिनर. डोंट यूज दैट ब्लैक स्क्रीन, डोंट यूज ये. देखो कितना अच्छा मुझे समझ में आ रहा है कि ये कोड्स लिखे हुए हैं, ये आउटपुट्स हैं. अब तुम अगर स्पेसिंग नहीं भी करोगे, तुमको टाइम नहीं भी मिल रहा है कि चलो आंसर्स के बीच में या कोड्स के बीच में यूजली होना चाहिए, बट अगर तुम्हारा स्पेसिंग नहीं भी, इट्स फाइन. समझ रहे है? डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस. तुम बड़ा हो गए, तुम क्लास वन में नहीं है अभी कि मैम से पूछेगा मैम रेड कलर यूज करेगी ब्लू कलर. चलो नेक्स्ट. कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा, निकालो. सिंपल है. नहीं नहीं मार्क्स मिलेगा. स्प्रेड आउट योर वर्क. मीन ऑफ एक्स, एक्स में डालें क्या? हाँ, मीन ऑफ एक्स, मीडियन ऑफ एक्स. जो तुम लोग ये अतरंगा दिमाग लगाते हो, आई विश तुम लोग ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस में दिमाग लगा पाते. नहीं मिलेगा मार्क्स. दे विल गिव यू 1 मार्क फॉर द फंक्शन दैट यू आर. मैं एक्सेल में, तुम एक्सेल किया है, CM1 किया है तुम, उसमें मैं क्या बोलती थी, स्प्रेड आउट योर वर्क, स्प्रेड आउट योर वर्क. एक कॉलम में PV एंड EPV सब कुछ रिस्पॉन्डिंग फैक्टर नहीं डालते थे, स्प्रेड आउट योर वर्क, स्प्रेड करना है. समरी इज वन फंक्शन, यू माइट जस्ट गेट 1.5 आउट ऑफ 3 मार्क्स. यहाँ यू आर गेटिंग 1 मार्क फॉर राइटिंग द फंक्शन मीन, 0.5 फॉर फंक्शन एंड 0.5 फॉर द आंसर. ये जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं ये उस क्वेश्चन में लगाया करो जहां दिमाग लगाना चाहिए. चलो कमेंटिंग होगा नेक्स्ट तो पक्का ही. आई ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा, तुम किसका मीन लेने, किसका मीन, मतलब तुम गामा का निकालेगा? क्यों निकालेगा भाई, वो तो तुमको पता ही है. तुमको गामा का मीन नहीं पता. गामा का मीन क्या होता है, अल्फा बाय जो भी, अल्फा बाय लैम्डा. तो तुमको क्यों निकालने बोलेगा अलग से, वो तुमको कंपेयर करने बोलेगा ना उसके साथ. तुमको क्या बोलते हैं, हमेशा तुमको सिमुलेशन का मीन निकालना है एंड देन यू कंपेयर इट विद द पॉपुलेशन. वो तो तुम टेबल बुक से देख सकता है. समझा? मीडियन कैसे निकालेगा गामा का बताओ. क्यू गामा यूज करके निकालेगा, तो तुम ऐसे भी निकाल सकते. तो तुम कंपेयर कैसे करेगा उसके साथ. टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द ट्रू वैल्यू फॉर थीटा आर थीटा 15 एंड थीटा 5. तो ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, तुम बोल ये क्या है, इसका मीनिंग इस लाइन का. ये लाइन का मीनिंग क्या है, ये लाइन का मीनिंग क्या है. बेसिकली थीटा का वैल्यूज दिया कि थीटा का ये दो वैल्यू थीटा ले रहा है, दिस इज द ट्रू वैल्यू जो थीटा वैल्यूज ले रहा है. कमेंट ऑन दीज टू वैल्यूज बेस्ड ऑन द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा प्लॉटेड इन पार्ट टू एंड समराइज्ड इन पार्ट थ्री. सो टेकिंग अ वैल्यू ऑफ थीटा इज 5 एंड 15 एंड जो भी हमने प्लॉट बनाया है हियर और मे बी हियर व्हेन वी वर मेकिंग दिस, तो 5 आने का चांसेस तो काफी है.
तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 इज लाइकली कि वो ट्रू वैल्यू है, बट 15 डू यू सी ओवर हियर, इट्स लाइक अ फार ऑफ सिचुएशन कि आपका 15 आएगा फ्रॉम अ सैंपल ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गामा, जो भी आपके वैल्यूज है. सो इट्स वेरी अनलाइकली कि थीटा का वैल्यू 15 हो, बट 5 इज वेरी लाइकली, बट 15 इज वेरी लाइकली ही हो सकता है. एंड अगर आपका 15 आंसर आ रहा है, हो सकता है देर इज अ सिमुलेशन एरर और देर इज अ कैलकुलेशन एरर दैट यू हैव मेड. ठीक है, अच्छे से इसको लिखो. करेक्ट, सीइंग द हिस्टोग्राम और द डिस्ट्रीब्यूशन जो तुम लोगों ने प्लॉट बनाया, वी कैन सी, हाँ वो जो तुम लोगों ने बनाया था एंड दिस एज वेल, दोनों को देख के पता, दैट वॉज द एक्चुअल वैल्यू. ये जो एक बार सुनो, ये जो प्लॉट बनाया, जो लाइन चार्ट है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ गामा, डी गामा यूज करके प्लॉट किया है, एंड दिस इज द सिमुलेटेड वैल्यूज. दोनों को देख के पता चल रहा है कि 5 आने का चांसेस बहुत है, तो आप दोनों चीज बोल सकते हो. एंड इन्होंने ये भी बोला, तो मीन देख लो 5 के अराउंड ही है, सो हाई चांसेस कि आपका मीन, आपका ट्रू वैल्यू 5 है, बट गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 15 इज वे अबव एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट वेरी हाई कि यू कैन एक्सपेक्ट कि 5 से बहुत ज्यादा डिविएट हो. सो 15 कैन बी इज अनलाइकली, हो सकता है देर इज अ सिमुलेशन एरर और अ कैलकुलेशन मिस्टेक दैट यू हैव मेड. एंड वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन इज वेरी क्लोज, एंड व्हेन यू सी मीन एंड मीडियन क्लोज, यू एक्सपेक्ट इट टू बी अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. डोंट यूज द वर्ड सिमेट्रिक, आई एम जस्ट कमेंटिंग. सिमेट्रिक हमेशा नहीं, स्क्यूनेस ये सब नहीं लिखना चाहिए अनलेस यू हैव आस्क्ड फॉर इट, क्योंकि आप उसमें पक्का स्क्रू अप करके आओगे. तो आपको लिखना है कि मीड एंड मीडियन आर वेरी क्लोज नेट, क्लोज टू 5, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ वैल्यू ऑफ 5. हाउ मेनी मार्क्स? 3 मार्क्स, राइट, गुड, 6 पॉइंट्स. आई विल शो यू द आंसर आल्सो. ठीक है कृष्णा, क्लियर? यस मैम. फिर से बोल. एक्चुअली कर रहे ना, ये सब क्वेश्चन पूछना छोड़ दे, क्लास 12 में नहीं है. चलो, हो सकता है 0 मार्क्स है. इन अ स्मॉल एम्पिरिकल स्टडी डेटा रिकॉर्डेड ऑन द नंबर ऑफ वेव्स. ये हो गया हम लोग का, लिख दिया कमेंट, घुमाओ तो ऐसे लैपटॉप घुमा के दिखाओ तो. छोटा लिखा है, एक लाइन और लिखो, तुम घुमाओ. ये अगर पेस्ट किया, छोटा है बहुत, एक लाइन, एक दो लाइन और लिखो. वाह वाह वाह, वेरी गुड, तुम दिखाओ. ये सब तरीका है ताकि आंसर बड़ा लगे. हाँ मेरे को नहीं, मेरे को दिख जाएगा, 4 अंक है. कृतिका वो लिखी नहीं है पक्का.
वेरी गुड भाई, तुम लोग स्टार्ट करो क्वेश्चन थ्री. अभी तक कितना मार्क्स हुआ हम लोग का? 16+9 बस. हे भगवान, कैसे तुम लोग वरना 50 मिनट्स में करेगा. टेंशन हो गया मेरे को तो तुम लोग का. तुम लोग को रात में नींद आ रहे है? सपना नहीं आ रहे तुम लोग को? हे राम. हाँ हार्दिक, कृष्णा, महक, तुम लोग को रात में नींद आ रहे है? पता है ना कितना टाइम बचे एग्जाम के लिए? कभी कभी नहीं आता है. कब एग्जाम? 11-12 है ना एग्जाम, मतलब 1 month 20 days. 1 month 20 days मतलब 50 days. उस 50 days और 50 days में भी कॉलेज जाना है, तो उसको कॉलेज का टाइम समझो, तुम लोग का दिन का आधा दिन कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है, और तुम लोग 50 days में से मान लो 10 days कॉलेज नहीं जाओगे, 15 days कॉलेज नहीं जाओगे, तो कितना बचा? 35. तो 35 का आधा कर दो. 35 का आधा कितना होगा? 17. सीआईए थी उसको, उसमें मान लो, तो मतलब 17.5+15 कितना होता है? हाँ, मतलब खाली इफेक्टिव 32.5 days है तुम लोग के पास, 30 days मान लो. अब उसमें तुम लोग को जिन लोग दो पेपर कर रहे हैं, तो तुम लोग उसको भी आधा कर दो, मतलब 15 दिन है तुम लोगों के पास. नहीं, वो सब नहीं होगा उसमें. अब तुम लोग को सोना है, खाना है, पीना है, पढ़ना है. हाँ, डर लगा? अभी भी नहीं लगा? और बोले इन लोग, तुम लोग को है ना, इन लोग को नहीं है ये सब आदत सुनने का. चलो, इन अ स्मॉल एम्पिरिकल स्टडी डेटा रिकॉर्डेड ऑन द नंबर ऑफ वेव्स पर आवर एंड द एवरेज वेव हाइट पर आवर एट अ लोकेशन जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड. द डेटा आर गिवन इन द CS1waves.r डेटा. इसमें हम लोग को तो आर डेटा फाइल है, इसको ना लोड फंक्शन यूज करके लेके आते हैं. Loading the data in R will create two vectors, Wn, which is the number of waves per hour, and weight, which is the average W height, basically, wave height in centimeter during the hour. Generate an appropriate plot to visually inspect the number, the relationship between the wave height and the number of waves. So, सबसे पहले तो data load करेंगे. फॉर दैट ये मेरा डेटा है, इसको मैं डाउनलोड्स में डाल देती हूँ. एंड इसका मैं क्या फंक्शन यूज करते हैं अपने पाथ की कॉपी करने के लिए? कंट्रोल शिफ्ट सी आई थिंक. तो ये आप, अच्छा ये अपने क्वेश्चन थ्री करें ना स्टार्ट. तो ये तुम लोग एक बार ट्राई करो ना इसको, तब तक एक बार ये चीज देख लो खाली. यहाँ तुम लोगों ने कमेंट्स लिखा होगा, सॉरी, यहाँ तुम लोगों ने कमेंट्स लिखा होगा. तो अब तुम लोगों को क्या करना है, क्विकली इसे अपने रन कर देंगे. तो ये आ गया. एक चीज और कर सकते थे बीच में, यू कैन रिमूव द एंटायर प्लॉट रीजन सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू. क्या करना है, प्लॉट रीजन पूरा हटाना है, ये पूरा हटाना है, इसको पूरे को सिलेक्ट करके रन करना है. एंड देन इसको पूरे को उठाना है, कंट्रोल सी जाके इधर पे, इन द न्यू स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश शीट, इसको पेस्ट करना है. एंड मेक श्योर यू पेस्ट ऑल द ग्राफ्स. तो ये ग्राफ पेस्ट करना आता है. ग्राफ कैसे पेस्ट करते हैं? एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है. मेक श्योर ये सब कुछ अच्छा दिखे आपका, ये आपका टाइटल सब कुछ आ जाए. कॉपी प्लॉट करो एंड जाके जहां पे भी, कौन से में प्लॉट करना था, इधर प्लॉट करना था, तो जाके उधर पे प्लॉट करो. प्लीज एग्जाम के बाद कॉल करके ये मत रोना कि मैम हमारा पेस्ट नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, हम भूल गए, ये सब मत करना, क्योंकि अननेसेसरीली यू आर लूजिंग योर मार्क्स ओवर हियर. जबकि आपने बना लिया एंड स्टिल दे विल नॉट गिव यू द मार्क्स. तो ये चीजें आपको नहीं करनी है. इधर पे पेस्ट, ठीक है, ऐसे आपको पूरा सुंदर सा फाइल सबमिट करना है. चलो क्वेश्चन नंबर थ्री, आंसर थ्री. पहले तो लोड करेंगे डेटा, लोड. And we'll go and select Control Shift C. पूरा आ जाता है.
आपको कंट्रोल शिफ्ट सी, मतलब जहां पे भी आपका फाइल है ना, कंट्रोल शिफ्ट सी करोगे इस पे करके, तो आपका वो पूरा पाथ कॉपी हो जाएगा. यू डोंट हैव टू डू दैट विंडोज आर वाला चीज या जो भी आप लोग यूज करते हो. यू कैन सिंपली यूज कंट्रोल शिफ्ट सी, एक बार करके देख लो, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. बस ये तो देखो मुझे, शिफ्ट सी, ठीक है, ये लोड हो गया है. एंड कैसे पता चलेगा कि ये लोड हो गया है? जस्ट चेक दिस, देखो आ गया इधर डब्ल्यू एन एन. सो यू कैन जस्ट रन एंड चेक डब्ल्यू एन. आई थिंक अराउंड 170 के अराउंड वैल्यूज हैं काफी सारे. एंड अच्छा, 168 वैल्यूज है. एंड डब्ल्यू हाइट, सो दे आर आस्किंग कि कौन सा एक डिजायर्ड प्लॉट है विच यू कैन मेक. क्या बना सकते हैं? हाँ बोलो बोलो, प्लॉट करो ना, सिंपली स्कैटर प्लॉट करो रिलेशनशिप के लिए. और क्या करते हैं बाकी? रिलेशनशिप तो तुम लोग को बहुत अच्छे समझ में आता है. देखो आया सुजल, क्या एरर आया? नाम बोलो एरर का. आई बोल ना, तेरा क्या एरर है? इतना नहीं पढ़ना होगा, कम पढ़. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं भी दिक्कत है तो बोल देना, मैम लोडिंग में एरर. क्या एरर? एरर पेस्ट करो सीधा, एरर बताओ. ऐसे मत बोलो मैम एरर है, मैम ये एरर है, ऐसे. आया तुम्हारा? नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करो. वार्निंग चलेगा, वार्निंग इग्नोर. एक सेकेंड रुको. अरे पढ़ने का तुमने यहाँ पे डबल स्लैशेस नहीं दिए. मैम दिए हैं मैंने. तो एक सेकेंड, जिनका एरर आ रहा है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्मार्ट स्टूडेंट है, जिन्होंने क्या किया है, जिप फाइल के अंदर से ही कॉपी किया है. अनजिप करो स्मार्ट स्टूडेंट्स, एक्चुअलीज करोगे आप लोग. अनजिप किया ना मैंने भी इधर, अनजिप करो. पता ही था मेरे को तुम लोग इतने स्मार्ट हो, एक्सपेक्टेड था. कितने प्रिडिक्टेबल तुम लोग मिस्टेक्स करते हो. मैम पढ़ने एक का बार यस स्टेज बता दोगे? क्या बता दोगे, क्या करोगे? स्टेप्स मतलब वो लोड नहीं समझ रहा है कैसे करना. कुछ नहीं है, स्टेप यू जस्ट हैव टू गो एश, इस पे क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करना है, कॉपी हो जाएगा. यहाँ पे आके पेस्ट कर दो. यू हैव टू जस्ट यूज अ लोड फंक्शन, जैसे आप रीड डॉट टेबल रीड डॉट सीएसवी करते हो. तुम लोग इतना बात अगर किया, अब सबको अलग अलग बिठा देंगे. लोड फंक्शन यूज करना है तुम लोग का, लोड फंक्शन यूज करना है और ये पूरा इधर आपका लोड हो जाएगा. सिंपल करो एक बार. एक बार सबका नहीं आया तो हैंड रेस करना, जिसका जिसका नहीं आया, जिसका जिसका लोड नहीं हुआ. हाँ पढ़ने का बोलो. मैम में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा. हाँ एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रही हो? मैम अनजिपिंग समझ नहीं आ रही है. अनजिप कैसे करना है? देखो अनजिप कैसे करना है, सब लोग देख लो. ये आपका जिप फोल्डर है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल क्लिक करो. द मोमेंट यू क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट ऑल, ये आपसे पूछेगा आपको कहाँ एक्सट्रैक्ट करना है. डाउनलोड्स यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दो. जैसे ही क्लिक करोगे देखो यहाँ पे आपका डाउनलोड्स में जाओ, ये आपका जिप फाइल है और ये आपका अनजिप फाइल है. बहुत ज्यादा वो हो रहा है पता है, इरिटेशन. अब इन लोग जो बोल रहे हैं नहीं सुन रहा है मेरे को.
ये जो अनजिप फोल्डर है, अनजिप फोल्डर खोलो एंड इसमें यू हैव ऑल द फाइल्स, ठीक है. एंड इफ अनदर थिंग विच आई यूज, बहुत ही बेसिक, यू कैन जस्ट टेक योर कर्सर, मतलब ये वाला को ड्रैग करके पुट इट इन डाउनलोड्स डेस्कटॉप वेयर एवर. सो दिस ऑल्सो यू कैन डू, ठीक है, क्लियर. लोड की जगह पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं ना, बट जस्ट डिफरेंस वो होगा किसका जो कोड होगा वो नीचे नहीं कर सकते, आर डेटा फाइल है, नहीं कर सकते, आर डेटा फाइल है. सब डेट सब फाइल्स का अलग अलग तरीका होता है इंपोर्ट करने का. मैम मेरा तो भी एरर आ रहा है अनजिप करने के बाद भी. भेजो क्या एरर है, नहीं तुमने फिर नहीं किया ठीक से, दिखाओ क्या एरर है. मैम भेजा है. तुम्हारा लोकेशन ठीक से कॉपी नहीं हुआ है, डी ड्राइव में डाउनलोड्स नहीं होता है पहली बात तो. तुम्हारा लोकेशन नहीं कॉपी हुआ है. आर यू एबल टू लोड एनी अदर फाइल, एक बार करके देखो, आई थिंक तुम्हारे हर फाइल्स में प्रॉब्लम हो रहा है. फिर इसको डेस्कटॉप में डालो और फिर कॉपी करो एक बार प्रांजल. ओके मैम. मैम हो गया एक्चुअली, मैंने वो डायरेक्ट जिप मतलब अनजिप किया हुआ ही फाइल ले लिया था, अंदर जाके नहीं लिया. तो और मैंने क्या बोला था आपको करने. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो कमेंट ऑन द प्लॉट, क्या कमेंट करेंगे बताओ.
नेगेटिव कोरिलेशन ऐसे नहीं जाते, लेट्स गो इन ऑर्डर. फर्स्ट तुम जो बोला लीनियर रिलेशनशिप विच इज करेक्ट, वी कैन सी योर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेव हाइट. बी वेरी यू नो व्हेन यू आर राइटिंग द सेंटेंसेस बहुत स्पेसिफिक लिखो. देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेव हाइट एंड द नंबर ऑफ वेव्स. उसके बाद वी सी अ नेगेटिव रिलेशन. तो उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दिस दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन एज द नंबर ऑफ वेव्स पर आर या जो भी है इंक्रीजेस द वेव हाइट गोज डाउन. द मोर द वेव्स पर आर द लेस विल बी द वेव हाइट. सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू. दो लाइन लिखोगे इनफ है, जस्ट टू लाइन्स. लीनियर रिलेशनशिप है नेगेटिव, टू लाइन्स. यहाँ पे भी ना व्हेन यू मेड द प्लॉट मेक श्योर आप लोग एक्स लैब में लिखो नंबर ऑफ वेव्स, वाई लैब में लिखो वेव हाइट. ये कर देना प्लीज एक्स लैब वाई लैब, वरना बिना मतलब का एक एक मार्क डिडक्ट होते हुए अच्छा नहीं लगता. ठीक है, तो ये सब दे देना. नेक्स्ट पार्ट थ्री, कैलकुलेट द पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द नंबर ऑफ वेव्स पर आर एंड द एवरेज वेव हाइट. क्या यूज करेंगे? कोर फंक्शन. वेरी गुड. कोर ऑफ डब्ल्यू एन कॉमा डब्ल्यू एच, कैपिटल एच है, एंड कोर में एक मेथड होता है. बाय डिफॉल्ट आई थिंक इट्स पियर्सन ओनली, बट ठीक है, इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट. बाय डिफॉल्ट इट्स पियर्सन. सो मेथड में पियर्सन फिर ना ऐसे लिखना पड़ेगा, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज दिस. ये नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा. ऐसे करो, इसको ऐसे ही लिखना है पूरा पूरा. और बोलो,
नेक्स्ट बोल रहे हैं कैलकुलेट स्पियोमेन बिटवीन द नंबर ऑफ वेव्स, तो सेम चीज करेंगे बट फॉर स्पियोमेन. आई कॉपी द कमेंट एज वेल बिकॉज आई एम वेरी स्मार्ट, तो उसमें खाली मुझे चेंज करना होगा. इधर पे आई राइट स्पियोरमेन एंड इधर पे यू कैन जस्ट पियर्सन के बदले राइट स्पियोमेन एंड वॉट एवर आंसर यू आर गेटिंग. ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट बताओ क्या होगा. प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करो. ऊपर में प्रिंट स्क्रीन, ऊपर नीचे कहीं होगा ना. इंसर्ट या प्रिंट स्क्रीन का बटन होगा एक. नहीं नहीं सॉरी, इंसर्ट बटन होगा ये बार. मैं आके बता रही हूँ, एक सेकेंड. हो गया इंसर्ट बटन. वो हो जाते हैं आर में. कमेंट ऑन योर फाइंडिंग्स इन पार्ट 3 और 4. तो क्या कमेंट करेंगे? पियर्सन एंड स्पियोमेन दोनों नेगेटिव है, सबसे पहले तो ये बोलोगे. कितने मार्क्स का कमेंट है? 3 मार्क्स के. तो एटलीस्ट 4 to 5 मिनिमम गुड पॉइंट्स. तो पहला, बोथ कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव विच कंफर्म्स दैट देयर इज अ नेगेटिव अप्रोक्स नेगेटिव रिलेशनशिप एज सीन इन द प्लॉट अबव. पूरा लिखेंगे 1 मार्क मिलेगा. अच्छे से बना के दोनों नेगेटिव है, हेंस दिस कंफर्म्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप शोन अबव इन द प्लॉट. नेक्स्ट क्या लिखोगे? कि स्पियोमेन का कम आ रहा है पियर्सन से. नाउ इसका स्पियोमेन क्यों निकालते थे? टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ मोनोटोनिक रिलेशनशिप. कौन था ये, कौन बोला? मैम पर्णिका. ठीक है, बट हाउ विल यू लाइक एक्सप्लेन इट? मैं मतलब नॉट ओनली लीनियर रिलेशनशिप, अदर रिलेशनशिप एज वेल. और मोनोटोनिक का मतलब है कि एक तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. So, सबसे पहले तो तुम लोग ये लिख सकते हो कि स्पियोमेन में हम लोग रैंक लेते हैं और उसका कोरिलेशन निकालते हैं रादर देन यूजिंग द, सुन लो, रादर देन, ये आई थिंक कॉमन डाउट रहता है, रादर देन यूजिंग द एक्चुअल वैल्यू. सो व्हेन यू आर यूजिंग द एक्चुअल वैल्यू यू आर गेटिंग अ स्ट्रॉन्गर नेगेटिव रिलेशनशिप एंड व्हेन यू आर यूजिंग द रैंक यू आर गेटिंग अ लिटिल लेस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. तो ये आप लोग इसको इलैबोरेट कर सकते हो, दैट द रैंक कोरिलेशन इज लोअर देन द person's correlation, which indicates that when we take the exact magnitude of the observations, we get a higher like a stronger relationship rather than taking just the relative rank of the numbers, which actually suggests what? Ki, as in, ye aap bol sakte ho ki monotonic relationship utna strong nahi hai as compared to. Just you can write this, monotonic relationship is not very strong. I think you don't have to explain a lot, because it's 3 marks. Ka hai. And secondly, in your syllabus, there is not much explanation hai ne, difference ka, between Pearson and Spearman. Okay, baki, ye tum log jo bol rahe ho ki Pearson, Spearman is used to measure the not only linear but general relationship. I think ye sab nahi likhna chahiye, because ye tum log thoda galat track pe ja sakte ho. याद है हम लोग किए कॉपेलाज में, तो उसमें हम लोग जनरल कोरिलेशन पढ़े, तो वो चीज यहाँ मत घुसाओ एक्स्ट्रा. आई डोंट थिंक कि तुम लोग जिस चीज को नहीं समझा पाओगे वो चीजें नहीं लिखो, कीप इट सिंपल. तो तुम लोग जनरली समझाओ कि स्पियोमेन में रैंक लेते हैं एंड यहाँ विदा रैंक के रैंक वाला ले रहे हैं तो कम आ रहा है, विच सजेस्ट कि मतलब जो ऑब्जर्वेशन होगा समझो विथ सिमिलर मैग्नेट्यूड. ठीक है, तो उसका हो सकता है कि आपको स्पियोमेन कोरिलेशन कम मिले. पियर्सन में एक्चुअल अमाउंट्स ले रहे हैं, स्पियोमेन में रैंक ले रहे हैं. तो अगर हम बोलें कि आपके जो वैल्यू सेट्स हैं वेव का एंड हाइट का, तो वो वैल्यूज जितना डिफर करेगा, आपका पियर्सन ज्यादा डिफर करता है, स्पियोमेन उतना डिफर नहीं करता है, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन द रैंक. तो एंड ऑल्सो रैंक मे नॉट बी ऑलवेज ऑर्डर्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर.
तो ज्यादा कमेंट इस पे अगर गलत करोगे तो गलत हो जाएगा. सो जितना आता है जो अच्छे से समझा पाओ ना, CS1 का सबसे बेस्ट चीज क्या है, आपको कमेंट में बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करना जो हम लोग CM1 में CS2 में करते हैं एंड CM2 में करते हैं. थोड़ा टच करके टॉपिक को ऊपर आ जाते हैं इसमें. सो डोंट गो इन डेप्थ इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इन्होंने भी टच करके बस लिखा है. सो इफ यू रीड देयर कमेंट ऑल्सो एज वेल, आई डोंट थिंक इन्होंने भी कुछ ज्यादा समझाया. इसको रीड करूं? मोनोटोनिक तो फिर लीनियर ही हो गया. मोनोटोनिक मतलब 1 1 1 1 वाला इंक्रीज. सो आई थिंक डोंट यूज इट. हाँ, डोंट यूज इट अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी, किसी ने बोला था मोनोटोनिक तो मैंने बोला, बट डोंट यूज इट अनलेस यू आर वेरी मच नो अबाउट द कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो आई थिंक क्योंकि तुम लोग के सिलेबस में भी बहुत क्लियरली ज्यादा डिमार्केशन है नहीं, इसको कॉपी करो तो एक बार अच्छे से नेक्स्ट. मैम
देखो हम ग्रुप में क्या भेजें। डन, नेक्स्ट करें। यस मैम, इसको मैम की लास्ट लाइन नहीं समझ आई। इन अदर वर्ड्स से, इन अदर वर्ड्स फॉर ऑब्जर्वेशंस विद सिमिलर मैग्नीट्यूड, मतलब कि एज इन सिमिलर मैग्नीट्यूड अगर होगा तो पियर्सन सेम आएगा। मैग्नीट्यूड मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपका पियर्सन ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा। द रैंक्स आर नॉट ऑलवेज ऑर्डर्ड, इसका मतलब है कि हो सकता है तुम लोग पियर्सन स्पेयरमैन कैसे निकालते हो, ऑर्डरिंग करके ना रैंक दे दे के फिर उसका निकालते हो। अब यहाँ पे हो सकता है 261 की जगह 265 होता तो उसका रैंक थोड़ा चेंज हो जाता, तो पियर्सन सिमिलर आएगा। तो ये बोले जो ऑर्डर है रैंकिंग का, जैसे 1 2 3 4 1 2 रैंक करते थे फिर तुम लोग उसका निकालते थे ना DI और वो सब, तो वो चेंज हो सकता है। 261 इफ बिकम्स 264 सिमिलर है बट ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा ना, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तो रैंक इज ऑलवेज नॉट इन द सेम ऑर्डर, इट माइट चेंज। द रैंक्स आर नॉट ऑलवेज ऑर्डर्ड, मतलब वो सेम ऑर्डर में आपका रैंक जरूरी नहीं हो। सो स्पियरमैन you can expect to change a lot but person you cannot expect a lot to change from the same data. theek hai, got it? bolo. yes ma'am. next is we now model the number of waves per hour as a random variable with a Poisson distribution with unknown parameter lambda. the log likelihood function for estimating lambda is given by, तो ये हम लोग को लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन दिया हुआ है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। प्लॉट द लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन फॉर वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो ये आपके सारे लैम्डा के वैल्यूज है, ठीक है, ले लो एक एक करके बोला है ना। सो व्हाट यू कैन डू, ये आपका सीक्वेंस यूज कर सकते हो और सिंपली कोलन साइन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लैम्डा आपका हो जाएगा, यू कैन राइट फुल लैम्डा ऑल्सो इफ यू वॉन्ट, कहां से कहां 220 से 280 तक हो गया, ठीक है। एंड आपको लॉग लाइक्लीहुड लेना है, सो लॉग लाइक्लीहुड, लॉग लाइक्लीहुड क्या बोल रहा है, लॉग ऑफ लैम्डा, सो लॉग ऑफ लैम्डा इनटू समेशन ऑफ एक्साइज, एक्साइ क्या है इधर, नंबर ऑफ वेव्स, वेरी गुड, चलो भाई कुछ तो तुम लोग सही बोला, WN माइनस लैम्डा एन विच इज माइनस लेंथ ऑफ
डब्ल्यू एन ले लो या डब्ल्यू हाइट ले लो, वट एवर, इंचू लैम्डा देख लो। इतना अच्छे से तुम लोग मेरा एरर्स निकालते हैं ना, काश अपना भी निकाल पाता। प्लॉट करने बोला है, कितना सुंदर प्लॉट है। एक्स एक्सिस में लैम्डा सही है, खाली वाई एक्सिस में टाइटल दे दो लॉग लाइक्लीहुड, एंड टाइटल मेन भी दे सकते हो लॉग लाइक्लीहुड ऑफ लैम्डा। यस कर सकते हैं, दिस इज आल्सो फाइन, कर सकते हो। सिमुलेशंस है तो ठीक लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, इट्स फाइन, टाइप एल कर सकते हो। तो ये देख के लॉग लाइक्लीहुड आप किस लिए निकालते हो, मैक्सिमाइज करके क्या निकालने, एस्टिमेट ऑफ लैम्डा निकालने, लैम्डा हैट निकालने। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा वेर एवर योर लॉग लाइक्लीहुड इज मैक्सिमाइज्ड, दैट्स द लैम्डा यू वांट। तो एट व्हाट पॉइंट इज इट इज गेटिंग मैक्सिमाइज्ड, समवेयर अराउंड 250। तो अब बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया, इसको बोलते हैं पेपर प्रिडिक्शन, जो एग्जाम के टाइम पे होता है, एग्जाम के पहले नहीं कर सकते, समझ लो। मैं नंबरिंग गलत कैसे हो गया, सिक्स के बाद मैंने सेवन लिख फाइव लिख दिया, बताओ। तो डिटरमाइन एन अप्रोक्सीमेट एमएलई यूजिंग द प्लॉट। मैं क्या करती पता है, मैं बहुत थोड़ा स्मार्टनेस अपना अगर लगाती तो मैं थोड़ा मतलब CS2 का बुद्धि लगा के इधर इसको ना जूम इन करते, अपने एक्सलिम में अपने डाल देते, कहां से कहां बोलते 245 से 255। तो नहीं पर ये बहुत ज्यादा अजीब हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा इसका इंक्रीज कर दो, आई थिंक इधर वो नहीं कर सकते। तो आई थिंक समवेयर अराउंड 250 के अराउंड ही आ रहे मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि क्लियरली आई थिंक इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे तो समझ में आएगा वाइलम को। हाँ इतना करना क्यों है, बट आई थिंक हम लोग CS2 में करते हैं एक दो जगह पे जूम इन करके, वो एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, बाय इंस्पेक्शन वी कैन सी दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉग लाइक्लीहुड इज समवेयर अराउंड 250, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट द एमएलई इज 250। 250 इज वॉट लैम्डा, 250 वेव्स पर आर, क्योंकि लैम्डा यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स है, तो 250 वेव्स पर आर ऐसे पूरा लिखोगे, देख लो, देख लो उसका आंसर कैसे लिखा है। बट आप लोग थोड़ा और अच्छे से लिखना एक लाइन और, जैसे मैंने समझाया। मैम मेरा ना प्लॉट नहीं आ रहा है, मैंने कोड भेजा है। प्लॉट एरिया बड़ा करो, लेंथ ऑफ एल नहीं है, लेंथ ऑफ एल है, लेंथ ऑफ डब्ल्यू एन है इधर पढ़ने का। नहीं मेरे को पता था तुम अभी तक क्यों नहीं पूछा ये क्वेश्चन, CS1 में नहीं है वो ना, नहीं कर सकते। और यहाँ प्लॉट के थ्रू बोला है समझाने, नहीं करो, मत करो वो सब।
हाँ भूमि बोलो। मैम एक बार आप रिपीट कर सकते हैं कि लाइक प्लॉट के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करना है एमिली? देखो इसमें ना यू विल से दैट मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट इज बीइंग सॉरी लॉग लाइक्लीहुड इज बीइंग मैक्सिमाइज्ड समवेयर अराउंड 250 बाय सीइंग द प्लॉट। सो वी कैन से दैट द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 250। ओके मैम, पार्ट कौन सा था ये? 7 6 वॉज द प्लॉट। अच्छा हाँ दिस तो मैंने ऐसे ही करा था बेकार सा। नेक्स्ट इज पार्ट 8। कैलकुलेट द एग्जैक्ट एमएलई ऑफ लैम्डा। कैसे करेंगे एग्जैक्ट एमएलई ऑफ लैम्डा कैलकुलेट? बोलो। यहां ये देख के समझ में आ रहा है? इसका डिफरेंस करो, डिफरेंसिंग इट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा क्या हो जाएगा? समेशन एक्स आई बाय लैम्डा माइनस एन। तो लैम्डा हैट विल बी समेशन एक्स आई बाय एन। तो ये तुम लोग को लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तुम लोग पूरा डिफरेंस करो। हाँ बोलो। होता है बट यहाँ तो तुम लोग एमएलई अप्रोच यूज कर रहे हो ना, मतलब तुम लोग लाइकलीहुड वाला अप्रोच यूज कर रहे हो। तो तुम लोग वो जो तुम बोल रही हो दैट विल बी मेथड ऑफ मोमेंट्स इन जनरल, दैट विल बी मेथड ऑफ मोमेंट्स। जब तुम बोलोगी ना कि एस्टिमेट पॉइजन प्रोसेस दिया हुआ है तो तुम्हारा तो पैरामीटर इज द मीन इटसेल्फ एंड फिर मीन निकाल लिया, वो मेथड ऑफ मोमेंट्स का प्रोसेस हो जाता है। क्लियर है ना? ऑल दो आंसर सेम आ रहे हैं बट प्रोसेस अलग है, वो मेथड ऑफ मोमेंट्स हो गया। आप लोग CS2 में पढ़ोगे मेथड ऑफ परसेंटाइल्स, वो भी सेम होगा, उधर भी सेम आंसर आएगा, बट यू कैन नॉट मिक्स द मेथड्स। तो तुम्हें इसी तरीके से बोलना है, तुम्हें बोलना है कि बाय डिफरेंस पार्शियली डिफरेंशिएट, सुन लो एक बार सुन लो फिर लिखना, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग द लॉग लाइक्लीहुड विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा विल गिव द वैल्यू ऑफ एमएलई इज इक्वल टू मीन, या फिर इज इक्वल टू, तुम लोग ऐसे लिख सकते हो 1 बाय, तुम लोग तो होशियार हो ही इसमें टाइपिंग में, 1 बाय n इंटू समेशन, कैसे टाइप करते हैं तुम लोग, मेरे को टाइपिंग भूल गया हम, समेशन ऐसे। तो फॉर ऑल आई नहीं लिखते हो? हाँ ये ऐसे करके शायद लिखते हो ना, आई गोज फ्रॉम 1 टू n एंड फिर ऐसे, कौन सा ब्रैकेट में कौन सा क्या चीज आता है? कहाँ कौन सा क्या जाएगा? ये वाला ऐसे, और वो ब्रैकेट में नहीं होगा ना, ठीक है ऐसे करोगे तो ये तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है दिस यू ऑल कैन राइट, मे बी कीप इट इन ब्रैकेट्स। सो पूरा क्या लिखा हमने? बाय पार्शली डिफरेंशिएटिंग द लॉग लाइकलीहुड विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा द एमएलई इज नथिंग बट लैम्डा हैट इक्वल्स टू, ये पूरा चीज फिर लिख दोगे विच इज इक्वल टू द मीन, ठीक है। अब समझ में आया तुम लोगों ने एमएलई प्रोसेस किया है, नहीं तो वो एमएमई हो जाता, मीन ऑफ डब्ल्यू एन इज दिस। तो लिख देना लैम्डा हैट, लैम्बडा हैट इज इक्वल टू ये, ठीक है। ऑल राइट
डन। तुम लोग कितने बजे निकलना है? ठीक है, तो तब तक जितना हो रहा है ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअरीज इन एन इंश्योरेंस कंपनी हैव डेटा व्हिच हैव बीन कलेक्टेड सेपरेटली इन टू डिफरेंट सैंपल्स। द एक्चुअरीज आर कंसर्न्ड अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द इक्वल वेरिएंस असम्पशन बिटवीन द टू अंडरलाइंग पॉपुलेशंस व्हेन कैरिंग आउट अ टू टू सैंपल टी टेस्ट। द टू सैंपल्स आर गिवन बिलो। तो सैंपल वन सैंपल टू दिया हुआ है। जब उन लोग टी टेस्ट कर रहे हैं, टी टेस्ट मतलब फॉर द मीन्स, तो उन लोग को टेंशन नहीं हो रहा है कि वेरियंस इक्वल है कि नहीं। टी टेस्ट में तुम लोग लेते हो ना वेरियंस इक्वल वाला चीज, तो उनको हाँ, वेरियंस टेस्ट नहीं है ये, मीन टेस्ट है। टी टेस्ट बोला है, टू सैंपल टी टेस्ट इज अ मीन टेस्ट। तो मीन टेस्ट में तुम लोग को जब पॉपुलेशन वेरियंस नहीं दिया होता तो टी टेस्ट यूज करते हैं, वरना स्टैंडर्ड नॉर्मल वाला यूज करते हैं, जेड टेस्ट। तो यहाँ पे टी टेस्ट में हम लोग ये चीज अज्यूम करते हैं कि वेरियंस इक्वल है ना, नहीं तो फिर वो एस पी निकालते हो। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि पॉपुलेशन वेरियंस इक्वल है कि नहीं है, इसमें उन लोग को डिबेट है, उन लोग को पता नहीं है, उन लोग को लग रहा है कि गलत है ये अजम्पशन। सो पहले तो एंटर दिस डेटा इन टू आर। तो पहले एक एक करके सैंपल वन एंड सैंपल टू क्विकली एंटर करो। आंसर फोर, तुम लोग ये सब मत काम करना। एंड सैंपल टू कॉपी पेस्टिंग का मतलब पीडीएफ से इट्स फाइन, बट यहां से नहीं, सोल्यूशन पीडीएफ से मैंने कर दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है परफॉर्म एन एफ टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल टू कंपेयर द पॉपुलेशन वेरियंसेस। यू शुड स्टेट योर कंक्लूजन क्लियरली। तो क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट होता है, नाम क्या है टेस्ट का, वार्ड और टेस्ट करो। सैंपल वन कॉमा सैंपल टू, कॉन्फिडेंस इंटरवल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो एक बार लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला भी है। तो ठीक है, क्या ही जाता है यार, हम लोग को एक लिखना ही है। मे बी 0.5 इसका कम दे दे, कोई एग्जामिनर गुस्सा हो जाए। तो ये इस फॉर्मूला का ही, फंक्शन का ही, दे विल गिव अस 2 मार्क्स। सो इट्स बेटर दैट वी राइट ऑल दीज थिंग्स। तो ये देखो एफ टेस्ट हो गया एंड यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका एफ वैल्यू है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपका 10 है। तो आपको ये ऑब्वियसली आप रिजल्ट पेस्ट करोगे अपना इन योर वर्ड। नाउ वंस यू हैव पेस्टेड दिस एंटायर थिंग, इसके नीचे में कमेंट आपका क्या जाएगा, पी वैल्यू इज ग्रेटर, पी ऐसे लिखना, पी वैल्यू इज 0. मतलब ये कॉपी कर लेना, पी वैल्यू कहाँ गया, इसको कॉपी कर लेना, आप लोग लिख देना दैट पी वैल्यू इज दिस विच इज ग्रेटर देन 0.05। सो वी हैव इनसफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। एंड नल हाइपोथेसिस क्या है, दैट द वेरियंसेस आर इक्वल। सो एच नॉट लिख सकते हो ऊपर में अलग से, यहाँ पे एच नॉट या नल हाइपोथेसिस लिख सकते हो दैट द टू वेरियंसेस आर इक्वल। फिर यहां पे लिखोगे वी हैव इनसफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड हेंस वी कैन से दैट द वेरियंसेस आर इक्वल ऑफ द टू सैंपल्स।
चलो नेक्स्ट, तुम लोग क्या लगते हैं 5-10 मिनट में हम लोग ये क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं? जो क्वेश्चन है खाली उसी का आंसर करो, नया क्वेश्चन पूछो मैं से, ठीक है? नेक्स्ट, परफॉर्म अ सूटेबल टी टेस्ट फॉर द नल हाइपोथेसिस दैट द टू पॉपुलेशन मींस आर इक्वल एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल. तो इसका अलग अलग पार्ट्स है, तो व्हेनेवर यू आर डूइंग अलग अलग पार्ट्स मेक श्योर यू गिव द क्वेश्चन नंबर्स प्रॉपरली, अदरवाइज एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा. परफॉर्म अ सूटेबल टी टेस्ट, कौन सा फंक्शन? टी डॉट टेस्ट सैंपल 1, सैंपल 2. आप लोग अच्छा, इसमें अगर हम लोग जाके क्विकली सर्च करें टी डॉट टेस्ट को, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या आएगा टी डॉट टेस्ट में? ऑल्टरनेटिव विल बी टू साइडेड, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वही है. पेड बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, तो यहाँ पे भी पेड डेटा हम यूज नहीं करें. वार डॉट इक्वल बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, जिसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ट्रू, बिकॉज दैट इज वॉट वी हैव प्रूव्ड एंड कॉन्फिडेंस लेवल इज सेम, सो यू डोंट वॉन्ट टू चेंज इट, बट इफ यू वॉन्ट टू यू कैन गिव द. तो टी टेस्ट का क्या आ रहा है देखो, अगेन यू विल पेस्ट द रिजल्ट, मेक श्योर आप इसका रिजल्ट अच्छे से पेस्ट करो, ये जो पूरा चीज है ना ये पेस्ट होना चाहिए उसमें. एंड नाउ अब आप लोग क्या बोलोगे कि आप लोग का टी वैल्यू जो है विच इज वेरी हाई, द पी वैल्यू इज 0.4365, इट इज मच लार्जर देन 5% सिग्निफिकेंस लेवल, देयरफॉर वी कंक्लूड वी हैव नो एविडेंस या नो सफिशियंट एविडेंस या इनसफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, दैट मीन्स दैट द टू सैंपल मीन्स आर इक्वल. लिखो उसको. प्रॉपरली लिखो, जो नहीं लिख रहे उसका एग्जाम में भी तुम लोग नहीं लिख पाओगे. वील डू इट टिल हियर एंड देन वील टेक अ ब्रेक, ठीक है? 3C तक करके ब्रेक लेंगे. नहीं कुछ नहीं बोलेगा तो उसको रहने देना, बट अगर तुम लोग देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन है इसके पहले हम लोग प्रूफ कर दिए कि वेरिएंस इक्वल है, बट लेट्स सपोज ये 4-5 मार्क्स का आता एंड इसके पहले कुछ वैसा हम लोग प्रूव नहीं किए, तो आइडियली यू शुड लीव इट एज इट इज और यू कैन क्विकली डू अ वार टेस्ट एंड चेक. बहुत बार क्वेश्चन में दे देगा अज्यूमिंग वेरिएंस इज इक्वल, अज्यूमिंग वेरियंस इज नॉट इक्वल, तो पता है क्या करना है, बट अगर दोनों नहीं दे तो तुम लोग को 2 सेकेंड लगेगा. वार टेस्ट रन करो, आउटपुट आ गया, लिखो पी वैल्यू इज दिस एंड दिस, सो वेरियंस इज इक्वल. तो तुम लोग को एच नॉट वो सब लिखने का जरूरत नहीं है, वेरियंस इज इक्वल, वेरियंस इज नॉट इक्वल लिखा एंड उसके बाद टी टेस्ट परफॉर्म कर दिया, उसके अकॉर्डिंग यू टुक द आउटपुट. बहुत बार दे देते हैं क्वेश्चन में अज्यूमिंग इट्स इक्वल, अज्यूमिंग इट्स नॉट इक्वल, नहीं देंगे तो अलग से परफॉर्म करना, ठीक है? Calculate a two-sided 95% confidence interval for the difference in the population mean. तो two-sided interval बोला है 95%. T dot test से ही हम लोग का output आ जाता है. So either you can put this in test and then you can take out, or you can just take out यहीं से ही, मतलब ये run करके, or you can just put this in test, ठीक है? And यहाँ पे टेस्ट डॉलर कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है? ये आंसर प्लॉट करने के आंसर लिखने के बाद आप लोग लिखोगे 95
5% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ टू सैंपल मीन्स फॉर द टू पॉपुलेशन इज पूरा ब्रैकेट में माइनस जो भी आपका आंसर आ रहा है. मेक श्योर यू डू दिस. एंड इसको देख के भी पता चल रहा है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल में जीरो है विच मीन्स बोथ आर इक्वल. कमेंट ऑन द आंसर्स. तो हम लोग क्या बोलेंगे, यही आंसर कमेंट करना है हम लोग को कि वी कैन सी दैट इन द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल देर इज अ वैल्यू जीरो. इट कंटेन्स द वैल्यू जीरो, देयरफॉर द अजम्पशन होल्ड्स ट्रू. देयरफॉर द अजम्पशन ऑफ इक्वल मीन्स होल्ड्स ट्रू. या फिर वॉट एवर यू प्रूव्ड इन पार्ट 3A इज ट्रू. टेक अ ब्रेक, इसके बाद वाला पार्ट एंड क्वेश्चन हम लोग ब्रेक के बाद करेंगे. वील टेक अ हाफ एन आवर. तुम लोग क्लास कब खत्म हो रहा है, तो उसके बाद तुम लोग आ सकते हो. उसके बाद फिर हाँ ठीक है तुम जाओ. बट आई विल डू वन मोर पेपर टूडे. मतलब इसके बाद एक और पेपर, 3:30 तक क्लास है, 4 o'clock तक क्लास है आज, तो एक और पेपर करेंगे. तो तुम लोग आना होगा तो आ सकते हो. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कर लेते हैं ना. आई मीन खाली ये क्वेश्चन क्विकली तुम लोग समझ के चले जाओ, उसके बाद करके वील टेक अ ब्रेक हम लोग कर लेंगे. एंड देन पेपर टू जब स्टार्ट करेंगे तुम लोग आ जाना. तुम लोग जब आओगे तभी आई स्टार्ट पेपर टू. ठीक है, आओगे ना मतलब. ठीक है, तो यहां तक क्लियर है. कमेंट लिख दिया कि कैसे दोनों का सेम आ रहा है. अ डिफरेंट अप्रोच फॉर चेक, ये डिस्कस कर लेते हैं बट करेंगे क्लास के बाद, ब्रेक के बाद. अ डिफरेंट अप्रोच फॉर चेकिंग द इक्वल वेरियंस अजम्पशन between the two underlying population is suggested if it involves a two sample t-test. For each sample, calculate the absolute deviations defined as the absolute value of the difference between the each observed value and the mean of the sample. मतलब absolute deviations क्या हो गया हर एक sample का, this minus उसका mean of the entire thing, this minus mean of sample one, this minus mean of sample one. So that is the एब्सोल्यूट डिविएशन. मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, इट्स लाइक एक्स माइनस एक्स बार का मॉड. अप्लाई अ टू सैंपल टी टेस्ट टू द सेट ऑफ द एब्सोल्यूट. अब जो डिविएशन आ गए, दो वेक्टर आ गए डिविएशन के, सैंपल वन का सैंपल टू का. अब उस पर आपको टी टेस्ट परफॉर्म करना है. द आइडिया इज दैट इफ द सैंपल्स हैव इक्वल वेरियंस इन द एब्सोल्यूट डिविएशन विल हैव द सेम मीन. जो डिविएशन है ना उनका मीन अगर सेम है, मतलब आपका वेरियंस भी सेम है. बिकॉज आप कर क्या रहे हो, एक्स माइनस एक्स बार का मीन ले रहे हो. एंड वेरियंस क्या होता है, वेरियंस होता है एक्स माइनस एक्स बार का होल, मतलब आप क्या करते हो, आप मीन कैसे निकालते हो, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, उसका समेशन करते हो ना वेरियंस के लिए. सॉरी, वेरियंस के लिए समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन करते हैं ना, करते कि नहीं. तो समवट दे आर ट्राइंग टू रिलेट द टू फॉर्मूलाज. तो बोल रहे हैं अगर x माइनस एक्स बार का मॉड सैंपल वन एंड सैंपल टू का निकाला, उसका टी टेस्ट निकाला, अगर वो पास हो जाता है, मतलब उसका मीन्स इक्वल आ जाता है, तो आप बोलोगे कि वेरियंस भी इक्वल है. तो आपको पहले तो ये कंस्ट्रक्ट करना है. तो आप क्या करोगे, सिंपली टी डॉट टेस्ट रन करोगे सैंपल वन एंड सैंपल टू में. बट यहां पे आपका सैंपल वन क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सैंपल वन माइनस मीन ऑफ सैंपल वन. तो उससे आपका क्या आ जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वैल्यूज, 11 डिविएशन सैंपल वन के, 11 एब्सोल्यूट डिविएशन सैंपल टू के. उसका आपने टी डॉट टेस्ट कर लिया. नेक्स्ट, परफॉर्म अ टू सैंपल टी टेस्ट ऑन द टू सेट ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन. तो यहाँ एब्सोल्यूट डिविएशन निकालने बोल रहे हैं, यहाँ उसका टी टेस्ट करने बोल रहे हैं. एंड देन कमेंट करने बोल रहे हैं. तो यहाँ पे अगर पास है फेल है, ऊपर में पास हुआ था टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग वील कमेंट. कमेंट ऑन वेदर और नॉट द इक्वालिटी of population means can still be tested. तो ये वाला भी हम लोग पूरा इसको कमेंट लिखेंगे. इसका क्या मतलब है पार्ट सी का बताना.
हम लोग एक ऐसा, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने दोनों जगह अजम्पशन लिया कि वेरियंस इज इक्वल है. तो अगर कुछ ऐसा टेस्ट हम कर पाए, कोई भी एक अप्रोप्रिएट टेस्ट कर पाए जहां हम लोग बोलेंगे कि वेरियंस इज डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, एंड फिर उस वो स्टार्टिंग पॉइंट ले पाए. स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी वेरियंस इज नॉट इक्वल एंड देन यू कैन टेक अ टेस्ट. बाकी दोनों में वी टुक अ स्टार्टिंग पॉइंट दैट वेरियंस इज इक्वल एंड देन वी डिड अ टेस्ट. ठीक है, तो ये चीज है. वील डू दिस आफ्टर द क्लास, आफ्टर द ब्रेक सॉरी, एंड कम्प्लीट क्वेश्चन 5 ऑल्सो विच इज ऑल्सो 30 मार्क्स का. तब तक तुम लोग आ जाना एंड वील स्टार्ट विद पेपर 2. ओके, बाय बाय. अराउंड 1:30 वील रिज्यूम द क्लास. मैम आप मैसेज कर दोगे ग्रुप में? हाँ मैं मैसेज करूंगी, ऑब्वियसली ग्रुप में मैसेज करूंगी. थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय.